बड़े फिक्र कर रहे हैं। हम कल से तुझे प्यार कर रहे हैं, आज से कर रहे हैं, और फिर मैं बात कर रहा संजय बड़ा अच्छा लिखा है। बचपन से देखा था ही उसके ओकरा में कौनो ऐसे थे घर द्वार खानदान सब कुछ देखा सुना था। पेशी में हमेशा नंदनी के पीछे लागल रहेगा। दोनों में बड़ा प्रेम भाव होगा। सुख से राखी रुक रखे। एक बार तो नंदनी से बच गए थे ओकर कामा ने। Thank you.
माँ बने बने आई थी। मेरी आंखों के सामने उसका हाथ पकड़ के कहना चाहिए था कि सर मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और उसे ही जीवन साथी बनाऊंगा। मुझे खुशी होती अगर तुमने ऐसा किया होता, लेकिन अभी बातों का समय नहीं रहा। मैं नंदनी के लिए तुमसे तुम्हारा हाथ मांग रहा हूं। इस लड़के के हाथ में आप अपनी बेटी का हाथ देने जा रहे हैं, उसके बारे में जानना नहीं चाहिए? वो कौन है? उसके माँ बाप कौन है? क्यों नहीं, जहां तक तुम्हारा सवाल है, मैं जानता हूं तुम्हें काबिल वकील हो। कल ही सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, रहे तुम्हारे महाराज। अगर तुम ये चाहते हो कि नंदनी के लिए तुम्हारा रिश्ता, मैं तुम्हारे माँ बाप से जाकर मांगू तो मैं उसके लिए तैयार। कौन है तुम्हारे माता पिता? आज से 11 साल पहले एक अदालत से मेरे पिता को फांसी की सजा हुई थी। जिस रोज उनको फांसी पे लटकाए गए, उसी रात में पानी पति शोरी आत्महत्या कर बहुत दुख हुआ सुनकर। कौन सुनी? मेरा बाप ने तो उसे फंसाया गया था और ये बात पतिवादी वकील को भी पता थी। जानते हैं वो वकील कौन? वो वकील आज से 11 साल पहले 7 अक्टूबर 1999 कोर्ट नंबर 3 मस्जिद रमन से जरूर सारे सबूतों और गवाहों को देखने सुनने के बाद अभी बात में कोई शक नहीं रह गया है कि मधु राय की निर्मम हत्या और किसी ने नहीं बल्कि रमन सिंह ने की है। एक मासूम लड़के को प्यार का वादा करके अपने जाल में फंसाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और जब उसने शादी के लिए जोर दिया तो हमेशा हमेशा के लिए उसको अमर कर दिया। ये सब झूठ है, हमारे साथ ये झूठ है। योर ऑनर, एक भारतीय नारी के लिए उसका पति परमेश्वर होता है। वो इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी कि उसका पति एक कातिल है और एक हत्यारा है। ये केस मेरे तौर पर है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कोर्ट का समय बर्बाद न करते हुए बर्बाद ही कर दिया।
जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन उससे मेरा बाप वापस नहीं आया। मेरी माँ मुझे फिर नहीं मिली, हो सके मुझे माफ कर दो बेटा। आप एक वकील हैं, आपको तो पता है कि कानून के किताब में गुनाह और गुनाहगारों के लिए कोई माफी नहीं। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, तो जो फैसला करोगे मुझे मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। आज के बाद इस लड़की से मेरा कोई राज, तुम्हारे पिता के साथ हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। उस केस में हमने जो कुछ भी किया, मैंने एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के नाते किया, एक वकील की ड्यूटी की है हमने, झूठे गवाह खड़े करने, गवाहों को प्रलोभन देकर हौसलाएं साबित करना, अपने पहुंच का इस्तेमाल कर फॉरेंसिक रिपोर्ट से छेड़छाड़ करना, मीडिया के थ्रू पब्लिक ओपिनियन खड़ा करना, कोर्ट को प्रभावित करना और विपक्ष के वकील के साथ सौदेबाजी करना, ये सब भी आपकी ड्यूटी थी ना शोहर? इसके लिए आपने अपना ईमान बेच दिया, वकालत के प्रोफेशन को नीलाम कर दिया आपने। आप भूल गए, एक वकील की पहली और आखिरी ड्यूटी इंसाफ, हर हाल में इंसाफ। आपने इंसाफ का गला घोटा है, हमसे गलतियां हुई है राज, हम उसके लिए तुमसे माफी मांगते हैं। मेरे गुनाहों की जो सजा चाहो मुझे दे दो, लेकिन मेरे किए के सजा नंदनी को मत दो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है राज। मेरे सीने में आग लगी है उसके ताप के नारे, नंदनी की तरह कुछ भी नहीं है। अल्फोंस, अंदर कौन बात भाई, वो ऐसे कैसे कर सके ना।
ओकरा से पूछला ना कि नंदिनी के का होई। पूछेंगी, सब पूछेंगी, हाथ रहेगी, गोर पकड़नी, सब करनी। जब अपन बेटी ही हाथ से निकल जाए तो दूसरे के काकल बात ना कर दो।
जाकर मुंह धोला। एक छोटा खूनो जल गई अब हम लोग मुर्गो का हो सके हम एक कजिन हो गए
जान दे दी। लेकिन हमारा भी अक्षत हो बच्चा के जन्म लेना के बाद वो बच्चा के तू हम रहा वाली कर दे। हम तो रखे वचन देते हैं वो बच्चा के ऐसा जगह रखा जहां का कोई कमी ना हो अच्छा से अच्छा परवरिश अच्छा से अच्छा शिक्षा सब कुछ मिली होकर रखे कोई कमी ना रही तो जब चाहो मिल सके तो वहां से बोलो मंजूर बोलो तुम्हारा होगा सर का कसम अगर बात से पीछे ना हट जाने तो बन
बच्चों की
माता हुए के पर्स पूरा कर लिया।